एसपी से खबर मिल रही है, एसडीएम विजय नारायण सिंह की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें लापरवाही देखने पर एसडीएम ने ये बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया है। कार्य में लापरवाही और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा था, जिसको देखते हुए एसडीएम ने लेखपाल सुशील कुमार को निलंबित किया है। एसडीएम ने नायब तहसीलदार को जांच के निर्देश दिए थे, जांच में सभी शिकायत पाई गई, जिसके बाद एसडीएम विजय नारायण ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए लेखपाल सुशील कुमार को निलंबित कर दिया है। कार्य में लापरवाही और दुर्व्यवहार के आरोप थे और एसडीएम ने नायब तहसीलदार को जांच के निर्देश दिए थे और जांच के दौरान सभी शिकायतें सही पाई गईं, जिसके बाद एसडीएम ने लेखपाल सुशील कुमार को निलंबित कर दिया है। तो चंदौली से खबर बता रहे हैं, एसडीएम विजय नारायण सिंह की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कार्य में लापरवाही और दुर्व्यवहार करने का आरोप लेखपाल सुशील कुमार पर लगा था, जिस पर एसडीएम ने जांच के निर्देश दिए थे और जांच के दौरान सभी आरोप सही पाए जाने पर एसडीएम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता रविशंकर मिश्रा जुड़ गया है। रविशंकर, एसडीएम यहां पर एक्शन मोड में नजर आए हैं, कार्य में लापरवाही बरतने पर ये एक्शन लिया गया है, क्या कहेंगे? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, चंदौली जिले के पीडीडीयू नगर तहसील बरसीना गांव के लेखपाल सुशील कुमार को कार्य में लापरवाही और लोगों से दुर्व्यवहार के आरोप में एसडीएम विजय नारायण सिंह ने बुधवार को निलंबित कर दिया। इस कार्रवाई से लेखपाल में हड़कंप मचा हुआ है। लेखपाल सुशील कुमार का कार्य क्षेत्र 3 गांव था। लेखपाल के खिलाफ तीनों गांव में प्रधान व ग्रामीणों ने शिकायत किया कि लेखपाल लोगों की समस्याओं को निस्तारण नहीं करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, साथ ही यह भी आरोप लगाया कि लेखपाल का आचरण जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के प्रति ठीक नहीं है। एसडीएम ने बताया कि लेखपाल के कार्य के प्रति लापरवाही का आलम यह है कि उसने अपने कार्यकाल में किसी भी गांव का वरासत नहीं किया। वही नरसिंहपुर गांव के रुद्रदेव सिंह पुत्र स्वर्गीय उदय प्रताप सिंह ने लिखित शिकायत भी की थी। रुद्रदेव सिंह ने आरोप लगाया कि लेखपाल को किसी और के नाम वरासत करना था, उसने किसी और के नाम कर दी थी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर तमाम जानकारी के लिए।